Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and CN Making. This is module number 201, and we are going to talk about how to help someone develop emotional intelligence. This is very important for us when we are a leader that we have to improve the emotional intelligence of the people who are associated and affiliated with us. And to improve emotional intelligence, remember one thing.

हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि लोगों का जो करंट इमोशनल इंटेलिजेंस है जो करंट उनका इंटरेक्शन लेवल है हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश वो करें एट द सेम टाइम रिमेंबर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उस वक्त तक किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस तब्दील नहीं कर सकते जब तक कि वो पर्सन खुद विलिंग ना हो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को तब्दील करने के लिए बिकॉज इफ द पर्सन इज इवन एबल एंड नॉट विलिंग तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप उसके अंदर कोई फर्दर इंप्रूवमेंट कोई आप फर्दर उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एस्पेक्ट uh, है वो क्रिएट कर सको देयर फोर याद रखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें हम सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एम्पथी मोटिवेशन सोशल इंटेलिजेंस ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं वहां पर लोगों की विल का होना भी बहुत जरूरी है बिकॉज जब तक वो राजी नहीं होंगे अपने आप को तब्दील करने के लिए अपने आप को इंप्रूव एंड करने के लिए तब तक आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप उनको इमोशनली फर्दर इंटेलिजेंट वो बना Therefore, याद कि जब हम की बात देखनी पड़ेगी कि हर शख्स उसके डीप रूटेड एस्पेक्ट्स रिलेटेड इमोशनल इंटेलिजेंस वो क्या हैं और उन डीप रूटेड एस्पेक्ट्स में वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचना और जानना चाहता है हम उसको इस तरह से ट्रेन एंड डेवलप करें कि वो अपने फ्यूचर विजन को वो मटीरियलाइज कर सके और ऑब्वियसली जब वो फ्यूचर विजन को मटीरियलाइज करने का सोचेगा तो तभी ही और शी वुड बी एबल टू कम अप विद एन कि वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मजीद बेहतर वो बनाए बिकॉज उस इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने से ही उसका ताल्लुक उसका मामला लोगों के साथ अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली क्या हमें दूसरों को हेल्प करना पड़ेगा कि वो अपने करंट स्टेट को छोड़कर अपने इनर्शिया को छोड़कर वो चेंज ओरिएंटेशन की तरफ जाएं और इस बात का ख्याल रखें कि उस चेंज ओरिएंटेशन में जब वे फ्यूचर की तरफ डेवलप कर रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ख्याल वो रखना है किस तरह से अपनी एम्पथी को वो ब्रुआकार लाना है किस तरह से मजीद सेल्फ अवेयर होना है मजीद अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल वो हासिल करना है किस तरह उन्हें मोटिवेशन अपने अंदर भी ढूंढनी है और दूसरों के अंदर भी क्रिएट करनी है एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ तभी मुमकिन हो पाएगा जब वो सोशली इंटेलिजेंस के फैक्टर को यूज करते हुए अपना ताल्लुक दूसरों के साथ बेहतर तौर पर उसवार करेंगे और यही वो चीज है जिसको हम फोर वे विंस में भी वो काउंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस हर किसी के पास है लेकिन उसको मजीद बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत वो हमें हर वक्त होती है और ये तभी मुमकिन होगा कि जब हम अपना ताल्लुक किसी ट्रेनर के साथ किसी मैंटोर के साथ वो उसवार करें ताकि वो हमें गाइड और ट्रेन कर सके कि किस तरह से हम अपने आप को बेहतर इमोशनली इंटेलिजेंट डमस्ट्रेट वो कर सकते हैं थैंक यू